नमस्कार, मैं सनी तुशीर और ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको नरेला औद्योगिक क्षेत्र से दिखा रहा हूँ। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग चुके है और 10 से 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। देख सकते हैं किस तरीके से दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार आग बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको नरेला औद्योगिक क्षेत्र से दिखा रहा हूँ कि नरेला औद्योगिक क्षेत्र में इस कंपनी में जूते चप्पल बनाए जाते हैं और इस वक्त कंपनी में कम से कम बताया जा रहा है कि 12 से 15 लेबर मौके पर मौजूद थी, लेकिन सभी लेबरों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। ये अभी सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं जो है वो थम नहीं रही है और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से आग लग रही है, देख सकते हैं। हालांकि शुरुआती जांच में अभी तक बताया गया है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है और दमकल विभाग की कई गाड़ियां आप देख सकते हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ये सीधी लाइव तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से दमकल विभाग के कई यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कई जवान आपको दिखाई देंगे और लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको नरेला औद्योगिक क्षेत्र से दिखा रहा हूँ। कुछ लोगों से भी पूछते हैं कि जब ये कंपनी चालू थी तो कितने लोग यहाँ पर मौजूद हो गए, क्या सभी लोग सुरक्षित? अभी तक तो बताया जा रहा है कि 14 से 15 लोग यहाँ पर इसमें मौजूद थे, लेकिन सभी बाहर आ चुके हैं। जूते चप्पल बनाने की कंपनी है, फायर ब्रिगेड को तुरंत इसकी सूचना दी और सभी मजदूर जो है वो आग लगते ही बाहर की तरफ भागने लगे और तुरंत बाहर निकले। जैसे आगे हाँ जी भैया, ये देखिए कितने लोग मौजूद थे, कितने लोग मौजूद थे यहाँ पे जी? फैक्ट्री किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? मुझे नहीं पता। देखिए काफी लोग जो है वो देख रहे हैं कि उनको पता नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार आग को बुझाने की तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं। जो सीधी लाइव तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए। हाँ भैया, आप इसी कंपनी में काम करते हो? हाँ सर, मैं इसी में करता था, वर्कर सब लोग थे, इसी में काम करते थे हम सब लोग। कितनी लेबर काम कर रही थी जब आग लगी थी? सर इसमें 10-12 आदमी थे, 12 और 8-10 ऊपर थे, काम चलते चलते एक साथ पकड़ लिया था। हाँ सर, पर वो आग लगते ही सब बाहर आ गए। कैसे आग लगी थी, क्या कारण थे आग लगने के? सर टंकी चला रहे थे, काम कर रहे थे, पेंट कर रहे थे कलर उस पर। बाहर आ गए, जब तक लोग वहाँ बाहर आ गए, टंकी में जैसी आग लगी ना तो ये भी भाग आए और भी निकाल दिए पहले इसमें से, क्या जाओ जी पहले बाहर निकल जाओ यहाँ से, उसके बाद देखा जाओ जो होगा सो होगा, वो तो हो ही रहा है और क्या कर सकता है। 12 लोग अंदर मौजूद थे जी, आते पर अंदर बाहर आ गए, लेकिन अभी सभी लोग बाहर है, सभी लोग बाहर है, कोई नहीं था, सभी लोग अभी बाहर है। हाँ बाहर, देखिए काम ये मजदूरों का कहना है कि 12 लोग अंदर थे जब कंपनी चल रही थी और कंपनी जब आग लगी तो तुरंत सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको नरेला औद्योगिक क्षेत्र से दिखा रहा हूं कि जब कंपनी में कार्य हो रहा था 10 से 12 लेबर अंदर मौजूद थी, जैसे ही आग लगी वैसे ही लोगों को मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, जिसकी तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देख सकते हैं अभी भी आग पर जो है वो लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर आग को काबू करने के लिए लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की लगातार गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद है और आग को लगातार बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। बराबर वाली कंपनी को भी जो है वो खाली करवा लिया गया है ताकि कोई बड़ा हादसा जो है वो ना हो। ये देखिए ये बराबर वाली कंपनी है, इसको भी बाहर जो है यहाँ के मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी हानि न हो। ये देखिए लगातार जो है वो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझाने में लगे हुए हैं।